हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का, और हमें हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता, आई विश आई हैड द टाइम एंड देर वॉज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू, काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए. अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है. तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस टुमारो. जैसे आपने कहा है, जैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज़ घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, और दैट्स इट. धन्यवाद. नमस्कार दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो अपने आप में आइकॉनिक है और लेजेंडरी है, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा. उनकी स्पष्टता उनके शब्दों के चयन से और उनके आचरण से स्वाभाविक रूप से झलक रही थी. कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक. अपने घर में रहिएगा, और मेरा खास निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से, माताओं से, बहनों से, देखिए जान रहेगी तो आवाज़ रहेगी. आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके माता पिता हैं, सभी आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं. आप खुद भी असुरक्षित हैं और आपकी वजह से वो भी असुरक्षित हो सकते हैं. मैं निवेदन करना चाहूँगा स्वरा भास्कर जी से, अनुराग कश्यप जी से, ओवैसी साहब से, वो सभी लोग जिन्होंने हाथ में हाथ रखकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से उनके साथ खड़े रहे हैं. देखिए राजनीतिक मतभेद होने लाजमी हैं, पर इस समय मुद्दा इससे ऊपर उठ चुका है. इस समय समाज का और इंसानियत का मुद्दा है, तो कृपया आपकी बातें वो सुनते भी हैं. कृपया उन्हें कहें कि वो अपना प्रदर्शन कम से कम तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं निकलता, ये खत्म नहीं होता. और मैं भी, हालांकि मैं इंडिया में नहीं हूं, पर मैं आप लोगों के साथ में 5 बजे ज़रूर शाम को इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं टीवी के पास में जाऊंगा और आपके साथ में तालियां बजाऊंगा. और मुझे मेरे दोस्त ने लिखा था कहीं पर कि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास में बालकनीज होती हैं, बट खिड़कियाँ तो हर किसी की होती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं. तो आप ज़रूर उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तालियां बजाएं और उन्हें दुआएं दें जो अपनी जान पर खेलकर आप लोगों के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं. और रात को 8 बजे, क्योंकि आप लोग घर में बैठे होंगे, तो मैं भी आपके लिए कॉन्सर्ट करता हूँ. चलिए लाइव, आई गो लाइव एट 8 o'clock इंडियन टाइम, एंड आपके लिए नहीं, दुबई से एक स्टूडियो में जाके एक छोटा सा कॉन्सर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए. आप सब देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड जय हिंद. Sit at home, and I hope you're seeing this at home. Social distancing and staying at home are two critical steps to help stop the spread of the coronavirus. The next 10 to 15 days are extremely crucial. Please avoid all public places, public transport like trains and buses. We all must do our bit to help fight in this crisis. And please follow the instructions issued by the state government. Stay home, stay safe, and take care. Namaskar. दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना बुरा साया डाला हुआ है. इस कठिन समय में अगर हम और आप एक हों, एक साथ हों, तो इस मुश्किल को रुकना होगा, पलट कर जाना होगा, हारना होगा. KEM और कस्तूरबा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ. अपनी परवाह ना करते हुए एयरपोर्ट्स पर भी डॉक्टर्स की टीम हर एक आने वाले की जांच में लगी हुई है. ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें बस इनका साथ देना है. तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात बरतनी है बस. हम जहां पर भी हैं, काम पर, घर में, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए. अगर छींक आए तो अपने मुंह को हाथ से कवर कीजिए. हो सके तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं. बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें. अगर आपके आसपास किसी को खांसी, बुखार या जुकाम है तो उनसे कुछ फीट की दूरी बनाए रखें. याद रखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी किसी एक को नहीं, हम सबको करनी होगी. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और पूरे विश्व
में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें। सो हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोएं, और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है, ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पर रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होकर क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 22 मार्च ही नहीं, उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। सो मैं प्रे करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे